अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल पहुंच चुके हैं। तेल अवीव पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन समय से पहले, क्योंकि अनुमान था कि दोपहर बाद करीब शाम को पहुंचेंगे, लेकिन अभी ही जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच चुके हैं। उनके साथ अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन भी पीछे दिख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे। अब वहाँ इसराइल के कई सारे मंत्री वहाँ पहुँचे हैं। जो बाइडेन इनसे कई सारे नेताओं से परिचित भी हैं, क्योंकि बतौर उपराष्ट्रपति भी वो इससे पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो बतौर उपराष्ट्रपति भी वो इसराइल का दौरा कर चुके हैं। इनमें से कई सारे इसराइली नेताओं को अलग अलग समय पर जो बाइडेन इनके साथ बातचीत कर चुके हैं, विमर्श कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी कई सारे लोगों से एक परिचित होने का एक बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं, आभास आपको लग रहा है। पीछे वहाँ टोनी ब्लिंकन भी कुछ इसराइल के नेताओं से जो कि जो बाइडेन का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं उनसे मिलते हुए। अब ये इसराइल की सेना और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स जो यूनिफॉर्म में आपको दिख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ करीब बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी में पहुँचे हैं। 2000 सील्स भी वहाँ तैनात हैं और अमेरिका की डिफेंस कैरियर भी उसी जगह गल्फ एरिया में तैनात है और कवर फायर देने के लिए हाई सिक्योरिटी के माहौल में। जब इसराइल ने पूरी तरह से हमास के खिलाफ हल्ला बोल किया हुआ है, युद्ध के 12वें दिन इसराइल बनाम हमास के इस 12वें दिन जहां गाजा पट्टी पर दमादम बम गिरे जा रहे हैं और तेल अवीव पर भी सायरन बज रहे हैं और हमास की तरफ से भी ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, ये है एयरफोर्स वन की लैंडिंग। और उसके साथ साथ अब इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कई सारे सीनियर अफसरान वहां पहुंचे हैं जो कि जो बाइडेन का स्वागत कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। क्या होगा जो बाइडेन का रुख, क्या होगा अमेरिका का रुख, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की मैत्री बहुत अहम रही है। इसराइल ने कई बार अमेरिका का इस इलाके में साथ दिया है, अब इसराइल की बारी है जो अमेरिका से मदद की उम्मीद रखता है। और अमेरिका ने यह वादा किया है कि इसराइल को जो ज़रूरत होगी अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए वो पूरी मदद पुरजोर अमेरिका करेगा। वहीं अमेरिका ने पैलेस्टीन की भी वकालत की। लड़ाई हमास से है, ये पूरी तरह से दोनों तरफ से साफ करने की और हर देश ने साफ करने की कोशिश की है कि किसी भी टेरर आउटफिट के खिलाफ जंग छेड़ना किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग छेड़ने के बराबर नहीं किया जा सकता। अमेरिका पहले ही हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। इसराइल ने सीधा कहा है कि हमारा युद्ध गाजा पट्टी में रहने वाले आम नागरिकों से नहीं है, फिलिस्तीन से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पहले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी इसराइल ने साफ कहा है कि उनका इशारा सिर्फ हमास को ख़त्म करना है। हमास को आइसिस के बराबर की संख्या और व्याख्या भी की है और हमास के आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई इसराइल के किसान समुदाय जिन्हें कि किबुत कहा जाता है उनके साथ, वहाँ जिस तरह से नरसंहार किया और वहाँ आइसिस के झंडे दिखे, तब से इसराइल ने बराबरी हमास की आइसिस के साथ की है। और आइसिस के खिलाफ अगर जंग और आइसिस रूपी किसी आतंकी संगठन के खिलाफ जंग को किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग नहीं कहा जा सकता, ऐसा इसराइल का कहना है। अमेरिका ने भी साफ कहा है कि अगर जंग हमास के खिलाफ है तो हम आपके साथ हैं। हमास ने आप पर रॉकेट छोड़े, आप हमास को समाप्त करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन धीरे धीरे ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बनता जा रहा है, खासकर गाजा पट्टी में जहां आम नागरिक जो गाजा छोड़कर नहीं गए, बार बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वार्निंग्स के बावजूद, उनके हिदायत के बावजूद कि आप ये जगह छोड़ दें जहां हमास है वहां से छोड़ दें, वहां इजरायली फोर्सेस का आरोप है कि हमास ने आम नागरिकों को ढाल बनाया हुआ है। लेकिन कल करीब 7 बजे इजरायली टाइम 6:59 पर जो रॉकेट एक अस्पताल में गिरा, जिसके बाद करीब 500 आम लोगों के मरने की बात है जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं, उसके बाद क्या इस युद्ध ने व्याख्या मोड़ ली है, उसने एक नया मोड़ ले लिया है, क्या इसका नैरेटिव, इसकी व्याख्या बदल गई। भले ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने साफ कह दिया है कि ये उनके द्वारा छोड़ा गया रॉकेट नहीं था, हमास द्वारा छोड़ा गया रॉकेट था जो मिसफायर हुआ और अस्पताल में उन्हीं के गाजा पट्टी में एक अस्पताल के ऊपर जाकर गिरा, इसके उन्होंने वीडियो प्रमाण दिए हैं और अब एक ऑडियो भी जारी किया है जहां हमास के आतंकवादी इस पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं।
कि जो रॉकेट से छूटा श्रापनल और एक्सप्लोजन से मिला श्रापनल वो लोकल श्रापनल है, इजरायली फोर्सेस का नहीं, तो कहीं गलती हमारी ही है, ऐसा हमास के आतंकवादी आपस में बात करते हुए ऐसा ऑडियो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है। तो क्या ये बात जो बाइडेन मानने को तैयार होंगे? क्या जो बाइडेन इसमें इजरायल का पक्ष लेंगे? क्या हमास के खिलाफ मोर्चा खोलना तीसरे युद्ध को दस्तक देना होगा? क्या 22 अरबी मूल के देश जो वहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, क्या वो अब शिरकत में आएंगे? इस मिडल ईस्ट में क्या ये युद्ध फैलता जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सीरिया, लेबनन, यहाँ पर भी सायरन बजे हैं, यहाँ पर भी रॉकेट गिरने के आसार दिख रहे हैं। क्या हमास कोई गंदा खेल खेलेगा और इसराइल पर दोष मढ़ने की कोशिश करेगा? कई सारे इसमें अलग अलग तरीके हैं इसको देखने के, कई सारे इसमें पेच फंसे हुए हैं। ईरान की भूमिका क्या है, चीन की भूमिका क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने भी सभी नेताओं से संवाद किया है, तो रूस का क्या पोजीशन है, अमेरिका क्या कहता है, जो बाइडेन क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सबकी आंखें, सबकी निगाहें इसी पर होंगी कि अमेरिका क्या पोजीशन लेता है। जहां इस्लामोफोबिया गलत है, वहीं यहूदियों से नफरत भी गलत है, ऐसा जो बाइडेन ने ट्वीट किया। तो किसी भी धर्म के खिलाफ इतना एक सोच कि इस धर्म को ख़त्म करना है, इस धर्म को मानने वालों को ख़त्म करना है, ये सोच गलत है, ये बहुत ज़्यादा कट्टर सोच है, ये गलत है, ऐसा जो बाइडेन का कहना है। इसराइल का यही दावा है कि हमास ने हर जगह यही कहा है कि जो भी यहूदी हो, यानी इसराइल के जितने भी लोग हैं वो यहूदी हैं, तो यहूदियों को ख़त्म करना है, जूस को ख़त्म करना है, ऐसी बात अपनी डॉक्ट्रिन में लिखने वाले, अपने वेबसाइट पर लिखने वाले और इसी वादे को हर जगह कहने वाले, क्या ये आतंकी संगठन हमास, इसकी बराबरी क्या फिलिस्तीन से की जा सकती है? फिलिस्तीन के साथ और फिलिस्तीन का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, एक अलग स्टेट होना चाहिए, ऐसी थियोरी इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, दो पूर्व प्रधानमंत्री ऐसी बात कर चुके हैं, एहुद बराक और एहुद ओलमर्ट, ये दोनों ऐसी बात कर चुके हैं, ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनका ये कहना है कि इस वक्त हमास को समाप्त करना आवश्यक है, इसराइल को सिक्योर करना आवश्यक है और उसके बाद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति वार्ता हो और दो स्टेट्स के बीच का एक कॉन्स्ट्रक्ट हो जहां हमास की कोई भूमिका नहीं हो। 2006-07 से हमास कब्जा किए बैठा है गाजा पट्टी पर और वहां उसने चुनाव नहीं होने दिए। इसराइल का कहना है कि ये जबरन कब्जा है और इस कब्जे को ख़त्म करना आवश्यक है क्योंकि हमास ने रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया है और वहाँ से अपने रॉकेट छोड़ रहा है और इसकी उन्होंने मैप्स भी बनाई हैं। एयरफोर्स वन का टचडाउन, नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।